में कोऑपरेट करना रहा, मैं तो उनको जो तू बोलना बोल दे रहा बोलना मत बोल दे, हमने अपना काम करने दे बता। हम तो फिर भी तेरे पक्ष में करा हूँ, जब भी इबी पक्ष में नो सोचा कम दिखाने के वो करें आज जब आओगे जब उनसे पूछ लेंगे उड़ा के है होंगे बड़े खराब तो ये हो रहा, खराब तो ये हो रहा ना होगा तो उनकी उनकी लापरवाही है ना यार, उनने की तो लापरवाही है यार। अनाज मंडियों में गेहूं का उठान ना होने से लाखों टन गेहूं खराब होने लगा है। इस मामले को जब मीडिया ने दिखाना चाहा तो वहां मौजूद अधिकारी ने कैमरे को बंद करना चाहा। कैमरा तो बंद नहीं हुआ लेकिन पत्रकार और अधिकारी के बीच बहस हो गई जिसकी आवाज कैमरे में कैद हो गई है। सुनिए, अगर मैं कोऑपरेट करना रहा मैं तो उनको जो तू बोलना बोल दे रहा बोलना मत बोल दे, हमने अपना काम करने दे बता। हम तो फिर भी तेरे पक्ष में करा हूँ, जब भी इबी पक्ष में नो सोचा कम दिखाने के वो करें आज जब आओगे जब उनसे पूछ लेंगे किसकी उड़ा के है फिर होंगे बड़े खराब तो ये हो रहा, खराब तो ये हो रहा ना होगा तो उनकी उनकी लापरवाही है ना यार, उनने की तो लापरवाही है यार। मैं कोऑपरेट करना रहा मैं तो उनको जो तू बोलना बोल दे रहा बोलना मत बोल दे, हमने अपना काम करने दे बता। हम तो फिर भी तेरे पक्ष में करा हूँ, जब भी इबी पक्ष में नो सोचा कम दिखाने के वो करें आज जब आओगे जब उनसे पूछ लेंगे किसकी उड़ा के है फिर होंगे बड़े खराब तो ये हो रहा, खराब तो ये हो रहा ना होगा तो उनकी उनकी लापरवाही है ना यार, उनने की तो लापरवाही है यार। बता दें कि हरियाणा में इन दिनों गेहूं की आवक अपने अंतिम चरण पर है। सरकार ने गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू की थी लेकिन 1 मई के बाद बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की खरीद व कटाई करीब 10 दिन बाद शुरू हुई जिससे अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद सिर्फ 60 लाख मीट्रिक टन ही सकी। वहीं दूसरी तरफ अनाज मंडियों में गेहूं का उठान न होने से लाखों टन गेहूं खराब होने लगा जिससे किसान काफी परेशान है। समस्या भाई साहब यहाँ पर दिखने लग रही है, किसान परेशान है, चारों तरफ ऐसे माल गेहूं लगाया जा रहा है, कोई भी सरकार की तरफ तक कोई भी रियायत नहीं है किसानों को, माल का उठान नहीं हो रहा, टाइम पर पैसा नहीं मिल रहा, समस्याओं से जूझ रहा किसान है। और हालात इस वो उस पर आ गया आड़ते, मतलब लड़ते पटने का टाइम आ गया है, गाँव में पीछे मांगना है आड़ते उधर पीछे नहीं बना माल उठे, एक एक पैसे मोहताज हो गए। आज तो 1 महीना खरीद शुरू है, फिर 1 महीना हो गया भाई साहब लेकिन माल उठाया नहीं सरकार ने, तो क्या कहते हैं कहाँ क्या भाई सरकार के नाकामी अभी है, ये माल का उठान होना चाहिए भाई, हमारे पे रुपये आने चाहिए, 1 महीना हो गया गेहूँ डाली मंडी में पेमेंट नहीं आई भाई, माल उठाए बगैर पेमेंट नहीं, अधिकारी तो कम है उठान हो रहा है, कहाँ उठा रहे, ये तो आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, आपके कैमरा घुमा कर देखो चारों तरफ है, उधर देखो गेहूँ पड़ा है, 1 मई तक सारा माल उठ जाया करता, सारा गेहूँ उठ जाया करता, लेकिन आप देखो कह तरह का और 1 महीना और लगेगा अभी ऐसा ही आला चलते रहे तो आज तो 9 तारीख होगी, 9 तारीख होगी फिर आधा भी नहीं होया है अभी तक तो कट्टे भी खराब होने लगे, कट्टे तो खराब मतलब आप मौसम की बीमारी है तो प्रकृति की मार है, बीच में बारिश आ गई थी लेकिन फिर भी इन आदमियों ने बहुत कड़ी मेहनत करके ने अपना माल को सुरक्षित करने की कोशिश करी गई है, तरपालों से ढका चारों तरफ आप दिखाई देने लग रहा है। चलो क्या चाहते हो अब, ये माल का उठान होना चाहिए भाई साहब, अरे खराब हो रहा जो माल ये खराब हो रहा है तो उसका मतलब जो कुछ भी है वो सहन करने तैयार है लेकिन उसको उठान तो कराओ। गांव कथुरा में गेहूं खराब होने को लेकर एसडीएम और मार्केट कमेटी सचिव भी मौके पर पहुंचे और गेहूं का उठान ना होने और खराब गेहूं के बारे में जानकारी ली, जहां उन्होंने अपनी गलती ना मानते हुए आढ़तियों पर नुकसान की भरपाई करने की बात कही है। वहीं एसडीएम और मार्केट कमेटी सचिव खुद मान रहे हैं कि गेहूं के उठान बहुत धीमी गति से हो रहा है, अभी 1 लाख कट्टा गेहूं पड़ा हुआ है। कथुरा मंडी में लिफ्टिंग स्लो थी और यहाँ पे जो स्लो का जो मेन रीजन है उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए तहसीलदार साहब और हमारे सेक्रेटरी हैं, वेयर हाउस के ऑफिसर्स, फूड सप्लाई और हैफेड के ऑफिसर्स, इन सब की टीम बनाई थी। तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हैं, कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे जो फॉरेन मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है एज़ पर नॉर्म्स, चाहे हमारे जो फूड सप्लाई के नॉर्म्स हैं या जो FCI के नॉर्म्स हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो हमने सारे किसान सॉरी आढ़तियों से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना पंखा लगाएं और उसमें जो साफ सफाई है उसको प्रॉपर करें। सर कई जगह देखा हमने काफ़ी गेहूँ जो नीचे बोरियाँ खराब हो गई हैं, उठाव भी हो गए हाँ, नहीं एक आध जगह है जो जहाँ पे ढेर है वहाँ पे थोड़ा सा वाटर लॉक्ड एरिया था एक आध साइड में, और इन्होंने कुछ डंपिंग भी गलत कर रखी है, जो यहाँ का जो हमारा प्रीमाइसिस है जो मंडी प्रीमाइसिस है जो परचेज सेंटर की उससे बाहर डाल रखा है, तो इस वजह से उन जो बाहर डाला हुआ है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है और ज़्यादा नहीं है, वो तो एक आध ढेरी के अंदर 1% ही है।
तो सर क्या आदेश दिए हैं? नहीं, यही कहा है कि इन आढ़तियों से रिक्वेस्ट की है और फूड सप्लाई हमारे जो मार्केट कमेटी के जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे सफाई ज़रूरी है, सफाई नहीं हो पा रही है, तो इन्होंने सभी आढ़तियों ने भी ये कहा है, कमिट किया है कि जल्दी आज से ही वो सफाई करेंगे प्रॉपर और हम इनकी लिफ्टिंग सुचारू रूप से करवा रहे हैं। आज भी लिफ्टिंग तो चल रही है इनकी, आज भी लगभग 6600 बैग इनके उठे हैं, पर बैग अभी बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 60,000 के अप्रोक्स इनके बैग हैं। जिस तरह से अभी 60,000 बैग बता रहे हो तो भी बाकी है, तो काफ़ी नमी है, कुछ चेक किया अधिकारियों ने? नहीं, नमी का तो ये था कि परसों बारिश हुई है, परसों और उससे लास्ट डे, तो उस वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा है, पर आज धूप निकली हुई थी और कल मॉइस्चर वाला इशू नहीं रहेगा अगले 24 घंटे में, और कुछ ये सफाई करेंगे और उसमें पंखा लगाएंगे तो मॉइस्चर का तो कोई बड़ा इशू नहीं है, पर उसमें जो फॉरेन मटेरियल है उसका इशू था, उसके लिए इन्होंने सभी ने आढ़तियों ने कहा है कि वो उसकी सफाई करेंगे और अगले 12 से 24 घंटे में इसमें जो लिफ्टिंग है उसको और फास्ट करेंगे। SDM साहब ने एक कमेटी गठित की जिसमें तहसीलदार गोहाना, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और 4 एजेंसी हैं, FCI, FED, वेयर हाउस और फूड एंड सप्लाई, उनके एक एक दो दो उनके अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया और जो गोहाना में जितना भी गेहूं खरीदा गया है वो गोडाउन में लगा है, तो उन गोडाउनों के सैंपल लिए गए हैं कंपेयर करने के लिए। अभी यहां पे आए हैं तो व्यवस्था देखिए, जो इनकी जो दुरुस्त करने वाली है बात है वो उनको बता दिया है, जो बारिश के कारण जो थोड़ा बहुत गेहूँ गीला हो गया था, मॉइस्चर का इशू था, उसके बारे में इनको कह दिया है और ये भी एग्री हो गए हैं उसको सुखाएंगे, और इनको क्लियर कट बोल दिया है भाई जब तक आप सुखा के जो भी सरकार का नियम है उसके अनुसार सुखा के और उसको साफ करके जब तक नहीं भेजोगे गेहूं का उठान संभव नहीं है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक गेहूं का उठान होता है या फिर मंडियों में किसान का गेहूं यूं ही खराब होता रहेगा और किसान परेशान होते रहेंगे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।